हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे जिसको सॉल्व करने से हम लोग प्रत्येक चैप्टर पर कमांड बना सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + tan x। तो सबसे पहले इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देखें। आई इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे डी एक्स अपान 1 + sin x अपान cos x। क्या बच्चों? 1 + sin x अपान cos x। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान कॉस एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जितना टर्म यहाँ पे उतना ही टर्म ऊपर बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉस एक्स में साइन एक्स को ऐड करेंगे तो साथ ही साथ सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक कॉस के साथ एक साइन को ऐड करेंगे और दूसरे कॉस से दूसरे साइन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 और 2 cos x dx, 2 cos x into dx अपान क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे 2 cos x है, कितने कॉस एक्स है बच्चों? 2। तो एक कॉस एक्स के साथ साइन एक्स को ऐड कर लेते हैं और एक कॉस एक्स से क्या करते हैं बच्चों? साइन एक्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। -sin x अपान cos x + sin x into dx। क्या बच्चों? into dx है। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अभी साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस 2 cos x हो जाएगा। क्या बच्चों? 2 cos x। यहाँ पे cos x + sin x अपान cos x + sin x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? cos x - sin x अपान cos x + sin x into dx। यह और यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई इक्वल कितना बच जाएगा बच्चों? i = 1/2 इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 1 + cos x - sin x अपान cos x + sin x into dx। अब इसको हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं लेट। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं इसको, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों? डी टी। क्या मिल जाएगा? डी टी। तो ये हो जाएगा -sin x + cos x = dt। क्या बच्चों? dt/dx। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से? dx इधर कर लेते हैं, cos x - sin x। पहले कॉस लिख लेते हैं, -sin x into dx = dt। क्या बच्चों? dt हो जाएगा। तो यहां से i जो हो जाएगा, i = 1/2 इंटीग्रेशन 1 into dx इंटीग्रेशन 1 into dx प्लस इंटीग्रेशन cos x - sin x into dx अपान cos x + sin x। क्या cos x + sin x i = 1/2 इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स प्लस। इसके प्लेस पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? cos x - sin x into dx के प्लेस पे क्या बच्चों? डी टी अपान। ये क्या हो जाएगा? टी। और यहाँ पे एक्स प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए, 1/2 एक्स प्लस c1। ये क्या हो जाएगा बच्चों? log e t और प्लस c2। प्लस क्या आ जाएगा? c2 = 1/2। ये हो जाएगा एक्स, और इसके इसके प्लेस पे एक ही कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। क्या बच्चों? सी लॉग ई, और टी के प्लेस पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्या? cos x + sin x और प्लस सी हो जाएगा। क्या जाए बच्चों? सी। तो ये था क्वेश्चन ऑफ डे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 - tan x into dx।